लोकसभा चुनाव मुश्किल से जीतने के बाद आई सरकारी कर्मचारियों की याद। मोदी जी को एहसास हुआ सरकारी कर्मचारियों ने हमको वोट नहीं दिया है। अब मुद्दे को जिंदा रखने वाले जो सरकारी कर्मचारियों के मांग थी उनको हाईलाइट किया जा रहा है, होगा कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार आपके समक्ष समीक्षा के लिए आया हूँ। दरअसल मैं अपने कामों में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं इस बीच में वीडियो नहीं लेके आया। अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी मिली है वो आप तक पहुँचाऊँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल अपडेट मिले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों जिस प्रकार बीजेपी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप लोगों को इग्नोर करे जा रही थी, इग्नोर इन द सेंस सरकारी कर्मचारियों को बुरी तरह इग्नोर करे जा रही थी, जैसे ही रिजल्ट आने के बाद जो प्रधानमंत्री का पहला भाषण था उसमें सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया गया था, आपको धन्यवाद दिया गया था, आपके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया गया था कि आपने चुनाव को सही ढंग से निभाया। परंतु ये सिर्फ जुमला है आपको बहलाने का ताकि आप नाराज ना हो जाए। अगर आप नाराज हो जाए तो वोट बैंक तो गया, वैसे भी आपने वोट नहीं दिया है मोदी जी को पता चला, इसीलिए ये सब 400 पार का नारा लगाया था। इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे ये कि 400 पार हम कर जाएंगे, परंतु 272 भी पूरे नहीं कर पाए। इसीलिए अब आपकी याद आई है, याद वैसे नहीं, आपको याद दिला रहे हैं कि हम आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। 5 साल बीत गए तब नहीं किया, 8 साल बीत गए तब नहीं किया, 10 साल बीत गए तब नहीं किया, अब भी सबूखा छोड़ दे रहे हैं कि बोला आपका काम हम कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इतने लोग भाषण में ये बोल रहे हैं कि बोला सरकारी कर्मचारियों का इतना ये होगा, 18 महीने का DA मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, परंतु वो सब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो चुनाव है ही नहीं ना। चुनाव होंगे कब? चुनाव होंगे जाके 4 साल 4.5 साल के बाद फिर याद आएगी आपकी। तब तक बीच बीच में हल्के हल्के नोटिफिकेशन ऐसे आते रहेंगे, कभी कोई नेता कह देगा, कभी दूसरा नेता कह देगा, तीसरा नेता कह देगा कि आपको, ऐसी बयानबाजियां चलती रहेंगी, परंतु मिलेगा कुछ नहीं। ये लिख के ले लो आप। 8th पे कमीशन के बारे में भी ऐसी ही है। अगर पहले कर देती सरकार में कह भी रहा था, सरकार कर सकती है ताकि उसको, पर 400 पार का तो नारा लगाया था तो कहाँ ये करती। लेकिन अब जल्दी से जल्दी ये करने के लिए कह रहे हैं, ये तो हो ही जाएगा, ये शेड्यूल्ड है, ये हो ही जाएगा, पर इसमें भी टाइम लगेगा, 2 साल तो फिर भी लगेंगे। और जैसे एक्स सर्विसमैन लोगों का है OROP 3, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है, परंतु OROP में वो सारा तो सारा ऑफिसर लेके चले जाते हैं, जवान जैसे जवान को कुछ मिलता नहीं है। चुनाव के समय में वापस 4 साल के बाद बहुत सारे गरमाएंगे ये मुद्दे, ऐसे सगुफे छोड़ दिए जाएंगे कि आपका काम हो रहा है, परंतु वो काम बिल्कुल भी नहीं होना है, कभी नहीं होना है, वो तो होगा ही नहीं। मुद्दा बनाए रखिए, जैसे भी मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था चुनाव से पहले कि BJP गवर्नमेंट कुछ देने वाली है नहीं, लेकिन मुद्दे को जिंदा रखेगी, और मुद्दा इनका अभी भी जिंदा है। चुनाव के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा, जितना चुनाव से पहले नहीं था उससे उसके बाद हर चीज़ के बारे में समीक्षा हो रही है, क्योंकि इनको वोट कम मिले, आपने वोट कम दिया है, वोट दिया ही किसी ने तो वोट ही नहीं दिया है, कोई वोट देने गया भी तो नोटा दबा दिया है, क्योंकि नेता कभी किसी का होता नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने वोट बैंक की ज़रूरत होती है। आप अगर वोट देंगे तो उसके अपने, नहीं देंगे तो उसके दूर। कभी खबर आ रही है कि इनकम टैक्स जो बजट आने वाला है, जो
अंतरिम बजट पेश किया था, अभी फुल फ्लैश बजट आएगा, तो उसमें शगुफा छोड़ दिया है इन्होंने कि आपका इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, 10 से 20 लाख वालों को फायदा मिलेगा, ऐसा शगुफा छोड़ रखा है। लेकिन ये आपका रिएक्शन जानना चाहती है सरकार, किस हद तक आप जा रहे हैं ये देखना चाहती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो के अगर इसको मुद्दे को आगे लेके आओगे तो शायद सरकार थोड़ा बहुत सोचेगी, और वो आपके जो रिएक्शन की गंभीरता को का आकलन करने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। अगर आपका रिएक्शन अच्छा नहीं है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, तो सरकार आपको कुछ भी राय रियायत नहीं देगी। ये इंटरनल बातें हैं, बशर्ते कि ये समझने वाली बातें हैं, हर एक इंसान इसको समझ नहीं पाएगा। जहाँ तक ये 18 महीने का डीए है, ये मिलना नहीं है, इसके लिए भी शगुफे छोड़ रहे हैं, और इसके लिए भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। वो नोटिफिकेशन आपके लिए जस्ट मुद्दा जिंदा रखने के लिए हैं। 8th पे कमीशन है, सरकारी कर्मचारियों की वेलबींग के लिए 8th कमीशन लाना चाह रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा, परंतु आप जो डीए की बात है ये तो बस मुद्दा जिंदा रखेंगे, आएगा नहीं। सरकार माइनॉरिटी में है तो 20% चांसेस हैं कि इन सब चीज़ों में काम होगा, परंतु मैं नहीं मानता हूँ कि 80% ये डिनाई कर जाएंगे इसको भी। अगर ये सरकार आगे चलाना का इनको रास्ता मिल गया तो ये कुछ होना नहीं है, नेता सारे एक होते हैं। अभी राहुल गांधी को टास्क दे दिया है कि अग्निवीर पे क्वेश्चन उठाते रहे, और ये भी एक शगुफाई है, ताकि आपको वो क्वेश्चन उठाएगा आप कितने एरोगेंट हो रहे हैं, कितनी मतलब आकलन किया जा रहा है कि आप कितने भयंकर रूप से आगे बढ़ेंगे। आप आगे उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये अग्निवीर पे भी कुछ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा विरोध होगा तो अग्निवीर को वापस ले सकते हैं, वो भी एक्सट्रीम, जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसा आंदोलन होगा तभी, अदरवाइज अग्निवीर भी ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ आप लोगों को बहकाने के लिए संसद में ये सारी सारी भाषाएं यूज की जा रही हैं। वो राहुल गांधी को टास्क दिया गया है कि नेता जब संसद में जाते हैं तो सर्वदलीय बैठक करते हैं, ये सब में डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं ये लोग। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जितना गवर्नमेंट दे रही है उतना काफ़ी है, उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। मांग अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो मिल भी जाएगा, अगर चुपचाप बैठकर घर में बैठकर रहेंगे तो कोई आपकी तरफ सुनने वाला नहीं। जैसे कहते हैं कि जब तक बेटा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती है, वैसा ही इनके ऊपर है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।